की शुरुआत मूवी के विलन श्री प्रकाश से होती है। उसने एक प्राचीन नटराज की मूर्ति चोरी की है जिसकी कीमत 5 करोड़ है। चोरी करते वक्त एक पुलिस वाले ने देख लिया, जिसे वह पकड़ लेता है और गोली मार देता है ताकि कोई सबूत न रहे। श्री प्रकाश के साथ कुछ पुलिस वाले मिले हुए हैं, वे यह केस रफा दफा करने के लिए उनको कुछ पैसे देते हैं। मूवी के हीरो काथिर के पिता सुंदर श्री प्रकाश के ही लकड़ी के मिल में काम करते हैं। भले दुनिया की नजर में श्री प्रकाश कैसा भी हो, लेकिन उनकी नजर में वह बहुत अच्छा आदमी है। अगले दिन वे लोग काथिर के लिए लड़की देखने जाते हैं, जहां काथिर की मुलाकात विजी से होती है। विजी कहती है कि उसके पिता बीमार रहते हैं, इसलिए जो शादी के बाद उसके पिता को साथ में रखेगा उसी से वह शादी करेगी। इधर काथिर के पिता सुंदर बातों बातों में श्री प्रकाश का जिक्र कर देते हैं। विजी के पिता उसका नाम सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें भला बुरा कहते हैं। वे उनसे कहते हैं कि श्री प्रकाश एक हत्यारा है, कल को अगर ये लोग भी उसके साथ किसी केस में फंस जाएंगे तो उनकी बेटी का क्या होगा। इतना कहकर गुस्से में काथिर के पिता को मार देते हैं। तभी काथिर आता है और विजी के पिता को थप्पड़ लगा देता है और वे लोग वहां से चले जाते हैं। काथिर एक ड्राइवर है, इसलिए अगले दिन वह ऑफिस के लिए दूसरे शहर निकल जाता है। विजी के पिता के पैर में कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से वे लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं। विजी पैसे निकालने के लिए एटीएम जाती है, लेकिन उसका कार्ड वहीं एटीएम मशीन में फंस जाता है। काथिर अपने ऑफिस के लिए बस का इंतजार कर रहा होता है, तभी सदाशिव नाम का एक आदमी आता है, जिसके हाथ में मंकी स्टिकर वाला बैग होता है। तभी एक चोर जिसका नाम सिद्धार्थ है, वह मंकी बैग छीन कर भाग जाता है। काथिर उसका पीछा करता है, किसी तरह वह उससे उस बैग को छुड़ा कर लाता है। तब तक सदाशिव कहीं चला गया होता है। अब स्टोरी 2 दिन पीछे चलती है, जहां वह 5 करोड़ की मूर्ति बेचने के लिए श्री प्रकाश काथिर के पिता को मद्रास भेजते हैं। वे श्री प्रकाश की कोई भी बात नहीं टालते, इसलिए बिना जाने कि उस बैग में क्या है, काथिर को बिना बताए मद्रास की ओर निकल जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट डे में आते हैं, जहां काथिर थाने पहुंचता है उस मंकी बैग को लेकर, क्योंकि उसका मालिक उसे नहीं मिल रहा था। वहां वह रिपोर्ट लिखा रहा होता है कि जी भी वहां आ जाती है, क्योंकि उसके कार्ड एटीएम में फंस जाने से बैंक मैनेजर उसकी बात नहीं सुन रहा था और वह रिपोर्ट कराने आ जाती है। तभी काथिर उसकी मदद करने की बात कहता है, लेकिन वह उसे नहीं जानती कहकर गुस्से में वहां से चली जाती है, क्योंकि काथिर ने उसके पिता पर हाथ उठाया था। इंस्पेक्टर मंकी बैग में क्या है जानने के लिए उसका ताला तोड़ रहा होता है कि तभी थाने की छत अचानक से इंस्पेक्टर के ऊपर गिर जाती है और सभी पुलिस वाले उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। काथिर फिर से उस बैग को अपने पास रख लेता है। थाने से निकलकर काथिर विजी से पूछता है कि उसके पिता की हालत अब कैसी है, लेकिन वह काथिर पे गुस्सा हो जाती है। काथिर भी वहां से चला जाता है। वह उस मंकी बैग की फोटो खींचकर फेसबुक में अपलोड कर देता है, ताकि जो भी उसका मालिक हो वह उससे संपर्क करके वह बैग ले जाए। फिर हम फ्लैशबैक में चलते हैं, जहां सुंदर के पिता मद्रास पहुंचकर सदाशिव से मिलते हैं। सदाशिव उन्हें शेखर के पास ले जाता है, जो डीलिंग का काम करता है। शेखर सदाशिव को पैसे लाने के लिए मारवाड़ी सेठ के पास भेजता है। दूसरी ओर काथिर उस मंकी बैग को साथ में लेकर विजी के पिता को देखने हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसके पिता उसकी बुराई करते हैं और वहां से भगा देते हैं। काथिर अपना मंकी बैग हॉस्पिटल में ही भूल जाता है। पिता से माफी मांगने की वजह से अब विजी काथिर को पसंद करने लगती है। वह काथिर के पीछे पीछे जाती है
और उससे बात करने लगती है। काथिर पिता के इलाज के लिए उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन विजी उसे मना कर देती है। वह काथिर के साथ घूम रही होती है। फिर वे लोग चाय पीने एक होटल में जाते हैं, जहां एक महिला काथिर को उसके पिता की मोबाइल देती है। क्योंकि मोबाइल पे काथिर की फोटो लगी हुई थी, इसलिए वह काथिर को पहचान लेती है। वह बताती है कि वह मोबाइल उसके पति को कहीं पड़ा हुआ मिला था और मोबाइल देकर वह चली जाती है। तभी काथिर की माँ का कॉल आता है। वह बताती है कि उसके पिता श्री प्रकाश के किसी काम से मद्रास गए हैं और उनका कॉल अब नहीं लग रहा। काथिर काफ़ी परेशान हो जाता है। काथिर के पिता शेखर के घर भोजन कर रहे होते हैं। तभी शेखर श्री प्रकाश को कॉल करके कहता है कि सुंदर अभी तक उसके पास नहीं पहुंचा। श्री प्रकाश चौंक जाता है। श्री प्रकाश सुंदर को तुरंत कॉल करता है, लेकिन शेखर उस मोबाइल से सिम निकालकर मोबाइल को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है और सुंदर से कहता है कि श्री प्रकाश उसे बार बार कॉल लगा रहा है, लेकिन आप कॉल उठा नहीं रहे। शेखर जानबूझकर फोन अपने घर में ढूंढने की कोशिश करता है। इधर काथिर अपने पहचान वालों को अपने पिता के बारे में पूछता है, लेकिन कोई मालूमात नहीं होता। चोर सिद्धार्थ भी उस मंकी बैग के लिए काथिर के पीछे पड़ा हुआ है। वह किसी अन्य को बैग का मालिक बताकर टेलीफोन बूथ से कॉल करा रहा होता है। तभी काथिर उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। वह पकड़ा जाता है और काथिर को पता चलता है कि सिद्धार्थ उसी एरिया का है। काथिर अपने पिता को ढूंढने के बदले उसे मंकी बैग देने के लिए तैयार हो जाता है। काथिर सिद्धार्थ से कहता है कि उसे पता चला है कि वह उस इलाके में किसी शेखर के घर गए हैं। सिद्धार्थ उसे एक शेखर के पास ले जाता है, जहां उसे दूसरे शेखर की जानकारी मिलती है। इधर विजी मंकी बैग को अपने पास रखी हुई है, लेकिन उसके पिता काथिर से गुस्सा होने के कारण उस बैग को बाहर फेंकने की बात करते। थोड़ी देर में सदाशिव 5 करोड़ लेने मारवाड़ी के पास पहुंचता है। मारवाड़ी उसे 2 करोड़ देता है और बाकी पैसे मूर्ति मिलने के बाद देने की बात कहता है। सदाशिव 2 करोड़ लेकर मारवाड़ी के किसी आदमी के साथ शेखर के घर आता है और वह आदमी मूर्ति ले जाता है। शेखर सुंदर को बताता है कि अभी 2 करोड़ ही मिले हैं, बाकी पैसे कल मिल जाएंगे, उसके बाद चले जाना, और सारा पैसा अपनी अलमारी में रख देता है। विजी के पिता मौका पाकर उस मंकी बैग को हॉस्पिटल की छत से नीचे कूड़े में फेंक देते हैं। यहाँ काथिर सिद्धार्थ के साथ अपने पिता को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसके मोबाइल में श्री प्रकाश के किसी आदमी का कॉल आता है। वह उसे कहता है कि उस बैग में 5 करोड़ का सामान है। उन्होंने वह बैग उसके पिता को दिया था, वह उसके पास कैसे पहुंचा और उसने उसे फेसबुक में क्यों डाला? उसे किसी भी हालत में वह बैग चाहिए। शेखर उन पैसों के लिए सुंदर को मारने का प्लान बनाता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को बहाने से मायके भेज देता है और सुंदर को एक कमरे में ले जाता है। सुंदर समझ जाता है कि वह उसे मारने वाला है। वह मरने से पहले अपने बेटे से मिलना चाहता है, लेकिन शेखर क्रिकेट के बैट से उनके सिर पर जोरदार वार करता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद श्री प्रकाश भी शेखर के घर पहुंचता है। वह सुंदर और मूर्ति के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन सुंदर के वहां न पहुंचने की बात शेखर कहता है। श्री प्रकाश को शेखर की बातें सुनकर उस पर शक हो जाता है। इधर उस चोर सिद्धार्थ को कार्थी की बातें सुनकर पता चल चुका है कि मंकी बैग में 5 करोड़ है, इसलिए वह कार्थी को छोड़कर बैग की तलाश में हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। कार्थी सिद्धार्थ का पीछा करता है, तभी रास्ते में उसे सदाशिव मिलता है, जिसके हाथ में उसके पिता यानी सुंदर का एक थैला था। उसे देखकर वह अपने पिता के बारे में उससे पूछताछ करता, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता। कार्थी गुस्से में उसे खूब मारता है। फिर सदाशिव बताता है कि शेखर ने उसे मार डाला और अपने साथी के साथ मिलकर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने उसकी मुंडी को मंकी बैग में डाल दिया,
जिसे फेंकने वह जा रहा था, तभी वह उससे पहली बार टकराया था। तभी कार्थी देखता है कि उस बैग पर एक कुत्ता मुंह मार रहा था। वह चीखता चिल्लाता हुआ उस बैग के पास जाता है और खूब रोता है। तब तक सिद्धार्थ भी वहां पहुंच जाता है। दूसरी ओर शेखर श्री प्रकाश और उसके आदमी को कमरे में ले जाकर मारने की तैयारी करता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। दरवाजा खोलने पर मारवाड़ी का आदमी होता है, जो मूर्ति के बचे हुए पैसे देकर चला जाता है। तभी इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। शेखर उसे पैसों के बदले अपनी जान न लेने को कहता है, लेकिन श्री प्रकाश उसे अपने दोस्त सुंदर के बारे में पूछता है। वह उसे बताता है कि उसने सुंदर को मार दिया और प्रकाश को भी धोखे से वह मार देता है। वह उन दोनों को मारकर उन पैसों से खूब शॉपिंग करता है और घर लेकर नए मकान में शिफ्ट हो जाता है। वह एक कार भी लेता है, जिसके लिए उसे ड्राइवर की जरूरत होती है। काथिर ड्राइवर बनकर आता है, लेकिन शेखर समझ जाता है कि यह सुंदर का बेटा है, क्योंकि सुंदर के मोबाइल पे उसने काथिर की फोटो देखी थी। शेखर काथिर को भी मारने के लिए रूम सेट करता है, लेकिन उससे पहले ही काथिर उस पर हमला कर देता है। काथिर पूछता है कि उसने उसके पिता को क्यों मारा। शेखर सारी बातें बताता है और कहता है कि तुमसे मिलने के लिए तेरे बाप बहुत गिड़गिड़ाया था, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैंने तेरे बाप को मारा, तू मुझे मारेगा, इससे ज्यादा तू कुछ नहीं कर सकता और तेरे पास कोई रास्ता भी नहीं। तभी काथिर वहां से निकलता हुआ दिखाई देता है। वह एक बैग ले जाता है और वापसी में उसे एक नाले में ठिकाने लगा देता है। फिर देखते हैं कि शेखर की पत्नी उसे बाथरूम से घसीटते हुए बिस्तर पे लाती है। शेखर के दोनों हाथ और पैर कटे हुए हैं, यानी काथिर ने उसके हाथ पैर काट कर तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। और शेखर की पत्नी भी उसे ताना दे रही है और किसी गैर मर्द को अपने पास बुला रही होती है। काथिर ने उसे पिता के बदले में नरक से भी बदतर जिंदगी दे दी और मूवी यहीं समाप्त हो जाती।